नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के साथ सबसे ज़्यादा फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की बायोग्राफी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने के सफर के बारे में। वैसे रजनीश मिश्रा की फिल्मोग्राफी के बारे में हमारे अजय भाई बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रजनीश मिश्रा की बायोग्राफी। रजनीश मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर है। इसके अलावा ये काफ़ी फिल्मों में गाने भी गा चुके हैं। इनका जन्म बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के केहुनिया नामक गांव में 16 जनवरी 1979 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये गाने सुनने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और इन्हीं कारणों से इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर बनने का फैसला लिया। रजनीश मिश्रा बताते हैं कि इनके कैरियर में इनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनके आशीर्वाद से ही वो आज इस मुकाम पर है। हालांकि इनके पिता का अब निधन हो चुका है। इनके पिता का निधन 2019 में हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं रजनीश मिश्रा के फिल्मी सफर के बारे में। रजनीश मिश्रा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से, और निरहुआ रिक्शा वाला इस फिल्म के स्टार कास्ट में नज़र आए थे जुबली स्टार निरहुआ, पाखी हेंगड़े, सुशील सिंह, मनोज सिंह टाइगर जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म में पहली बार रजनीश मिश्रा को म्यूजिक डायरेक्ट करने का मौका मिला। ये फिल्म तो 2007 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो थी ही, साथ ही साथ इस फिल्म के गाने भी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और 2007 के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गाने में भी शामिल हुए थे। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद रजनीश मिश्रा को फिल्म मिली प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा इस फिल्म में पहली बार जुबली स्टार निरहुआ और पावर स्टार पवन सिंह की जोड़ी देखने को मिली। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इस फिल्म के कुछ गाने जैसे लॉलीपॉप लागे लू और भगवान बड़ी फुर्सत से धोखे बनौले बारे, ये गाने तो ऐसे हैं जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। और इस फिल्म के गाने 2008 के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गाने बन गए। और इन फिल्मों के बाद रजनीश मिश्रा को एक के बाद एक फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्ट करने का मौका मिला। इनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो वो है निरहुआ हिंदुस्तानी, बम बम बोल रहा है काशी, मोकामा 0 किलोमीटर, निरहुआ रिक्शा वाला तू और राम लखन। और लगभग 50 फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्ट करने के बाद रजनीश मिश्रा ने भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला लिया और एक फिल्म की स्टोरी को लिखा, जिस फिल्म का नाम था मेहंदी ला के रखना। और इस फिल्म में अनंजय रघुराज ने उनका साथ दिया और इस फिल्म में पहली बार रजनीश मिश्रा ने खेसारी लाल यादव को कास्ट किया। फिल्म 2016 में बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। हालांकि फिल्म को रिलीज किया गया फरवरी 2017 में। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ कर रख दी। और इस फिल्म में रजनीश मिश्रा ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किया था। ये फिल्म 2017 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने खेसारी लाल यादव की उस समय तक रिलीज सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और इनकी पहली ही डायरेक्टर के रूप में फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद इन्हें एक के बाद एक फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगा। और इसके बाद 2017 में ही रजनीश मिश्रा ने फिल्म डायरेक्ट किया
मैं सहरा बांध के आऊंगा। इस फिल्म में अगेन इस बार फिर से इन्होंने लिया खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद रजनीश मिश्रा ने 2018 में खेसारी लाल यादव को ही लेकर एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था दमरू। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी क्योंकि इस तरह की स्टोरी वाली फिल्म इससे पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनी थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। रजनीश मिश्रा को इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब ये फिल्म टेलीविजन पर आई तो दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद रजनीश मिश्रा ने काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, जैसे राज तिलक, मेहंदी लाके रखना 3 आदि। और 2021 में इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की दुल्हिन वही जो पिया मन भाए। ये फिल्म 2021 में जनवरी के मौके पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने 2021 में सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और 2021 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई थी। और इस फिल्म के बाद रजनीश मिश्रा ने खेसारी लाल यादव के साथ और भी काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया। रजनीश मिश्रा आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक हाईएस्ट पेड डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर है। इनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, जिसमें जुगली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ आम्रपाली दुबे और अवधेश मिश्रा नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को दिवाली या दशहरा के मौके पर रिलीज करने का प्लान बनाया गया है। इस फिल्म से रजनीश मिश्रा को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, ये थी रजनीश मिश्रा की बायोग्राफी। आपको रजनीश मिश्रा की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।